नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के ऊपर। शिमला रिज पर राजा वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, नड्डा ने दी श्रद्धांजलि, राहुल ने भी किया नमन। बांग्लादेश में 6 मंजिला फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लगी आग, जान बचाने के लिए लोग इमारत से नीचे कूदे, 52 की मौत। यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा देश में समान नागरिक संहिता हो, संविधान के आर्टिकल 44 को लागू करने का यही सही समय। सरयू नदी में एक ही परिवार के 15 लोग डूबे, अब तक 5 की मौत, 4 अभी लापता, 3 तैर कर निकले, 3 को गोताखोरों ने बचाया। आगरा का परिवार अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आया था। नौसेना ने अपने अड्डों, इकाइयों व पोतों के आसपास 3 किलोमीटर तक ड्रोन उड़ाने पर लगाई पाबंदी। बिहार में ब्लैक फंगस का अनूठा मामला, ब्रेन में बड़े ट्यूमर को एक्टिव कर रहा था फंगस, डॉक्टरों ने 3 घंटे ऑपरेशन कर 65 वर्षीय मरीज की जान बचाई। रेवाड़ी में बैटरी व्यापारी की मौत, होटल से खाना खाकर दोस्त के साथ लौट रहा था, दिल्ली रोड पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, पेड़ से टकराई कार। पंजाब के लिए नई मुसीबत, भाखड़ा जलाशय में इस साल 56.9 फुट घटा पानी, कम हुआ बिजली उत्पादन। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र खबर टीवी।